आज ये सीक्वेंस है कि जो बड़ी रसाल है वो अपनी ज़िंदगी के लिए हॉस्पिटल में लड़ रही है और डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया है, और शिवराज को यानी कि उसके भाई को बोला है कि अब सिर्फ एक मेरेकल उसको बचा सकता है, एक चमत्कार ही बचा सकता है। तो दादी बताती हैं कि ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे अगर पूरी शिद्दत के साथ आप ज़मीन पे लौटते हुए जाएं और उसके बाद वहाँ जाके जलते हुए कोयले पे अपने मुराद पूरी मांगे भगवान से, तो आप माता रानी आपकी पूरी इच्छा पूरी कर देती है। तो ये वही सीक्वेंस है जहाँ मैं अपनी लाडों के लिए अपनी जान की बाजी लगा के ये सब कर रहा हूँ ताकि उसकी जान बच जाए। ये भी कहते हैं कि सीक्वेंस में जो है बहुत एफर्ट पुट करना पड़ता है क्योंकि एक तो मेलोड्रामेटिक है और दूसरा आपका से भी जुड़ा हुआ है। एफर्ट आई थिंक फिजिकली एक्टिंग इज नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि जो भी राइटर लिख देते हैं वो हमें करना पड़ता है। तो मैं एक्चुअली काफ़ी देर तक ज़मीन पर लौट रहा था पूरे स्टूडियो में, और यहाँ आने के बाद ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये असली कोयला है, सारा का सारा जल नहीं रहा ऑब्वियसली, लेकिन कोयला असली है, पैरों में चुपता भी असली है। तो हमने कम से कम 15-20 बार ये अलग अलग एंगल से शॉट लिया वेयर आई एम वॉकिंग ऑन दोज पीसेज ऑफ कोल, एंड पैरों में बहुत ज़्यादा चोट एक्चुअली में लग रही थी, बट ओवरऑल आई थिंक क्योंकि बहुत अच्छा शॉट लग रहा था तो इन द एंड इट्स वर्थ इट। कुछ दिन पहले ही 100 एपिसोड्स पूरे हुए थे, ये जो एपिसोड्स 100 एपिसोड्स 200 एपिसोड्स ये कितना मायने रखता है शो के कामयाबी के लिए? 100 एपिसोड्स कितना मायने रखता है वो आपको छोटी रसाल बताएगी। 100 एपिसोड्स जब पूरे होते हैं शो के तो वो हमारी शो के लिए कितनी अच्छी बात होती है बताओ? क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि ऑडियंस हमको इतना प्यार करती है कि हम 100 एपिसोड्स पहुंचे और हम 1000 भी करेंगे। 5000 भाई बोल दिया लाडो ने 5000। और बाकी आगे क्या मेजर टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलेगा? टर्न एंड ट्विस्ट मेजर आगे ये होने वाला है कि समर यानी कि जो रसाल का पति है उसकी लाइफ में एक नई लड़की की एंट्री होगी जो कि एक हिस्ट्री के साथ आएगी समर के साथ, एंड टुगेदर दे विल प्लान एंड प्लॉट समथिंग अगेंस्ट शिवराज, ताकि शिवराज की जो शादी है कनक के साथ वो डिफिकल्ट हो जाए, मुश्किल हो जाए। थैंक यू। मैं रसाल इस सीक्वेंस में आप तो छोटे ही हो, मैं तो बड़ा शिवराज हूँ, तो आप यहाँ कैसे आए और आप यहाँ क्या कर रहे हो बताओ? आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ मंदिर में आपके साथ पूजा करने। अच्छा, तो जब मैं कोयले पे चल के आ रहा था तो आपने क्या किया मुझे लास्ट में जब मैं गिरने वाला था? गिरने वाले थे तो मैंने आपका हाथ पकड़ के आपको बचाया था, उसके बाद मैंने माता रानी की पूजा कराई थी। हाँ। ओके।